हाय एवरीवन, अनुराधा हियर। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड। तो उससे पहले हम समझेंगे कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल लॉ दैट व्हेन यू गिव इज़ व्हाट यू रिसीव। हम क्या करते हैं कि हम हमेशा यूनिवर्स के साथ में जो है यू नो वी कीप सेइंग दैट हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वी कीप डिमांडिंग, कीप आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स और कीप आस्किंग यू नो फ्रॉम आर गुरु और फ्रॉम द मास्टर। बट इन टर्न क्या हम कभी ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं फॉर ऑल दैट वी हैव गॉट इन आर लाइफ? जो कुछ हमें अभी तक मिला है या मिल रहा है, हैव वी एवर शोन ग्रैटिट्यूड अबाउट इट? सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ मांगते हैं तो साथ में हमने ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहिए। वी ओनली गो ऑन आस्किंग बट वी शुड ऑल्सो गिव एक्सप्रेशन ऑफ थैंक यू, ग्रैटिट्यूड कि मुझे अभी तक सारी जो चीज़ें मुझे मांगी हैं वो मिली हैं या जो अब हो रही हैं वो मुझे मिल रही हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शो ग्रैटिट्यूड। बाई डूइंग सो ऑटोमेटिकली वेन यू आर शोइंग इट, यू विल रिसीव इट मल्टीपल टाइम्स मोर from the universe in terms of your vibrations which you are sending. That is a very important thing. जब हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो देयर इज अनदर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं जब आप यूनिवर्स से बात करते हैं? वेन यू आर सेंडिंग द वाइब्रेशन, आर यू सेंडिंग अ वाइब्रेशन कि आप बहुत नीड में हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं या आप बहुत दुख में हैं या चीज़ें मेरी हो नहीं रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं या डाउट कर रहे हैं? तो अगेन यू आर सेंडिंग अ वाइब्रेशन विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स। आप एक नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप सोचें उसके बारे में। तो यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट एनीथिंग पॉजिटिव बिकॉज यू आर ऑलरेडी गिविंग समथिंग नेगेटिव। तो आप उसके बदले पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। बी वेरी श्योर, हैव दैट ग्रैटिट्यूड विच यू शुड फील इट फ्रॉम योर हार्ट, नॉट जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू से इट बट यू शुड फील इट। एंड देन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू से रियल, अभी तक मेरी लाइफ में आपने सब कुछ अच्छा किया है, लाइफ में मेरी आगे भी अच्छा होगा। इस तरीके से आप वाइब्रेशन भेजिए कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए और इसको आप मेरी लाइफ में सही तरीके से मैनिफेस्ट करें ताकि इससे मेरे और मेरी फैमिली का भला हो। तो इसको कहते हैं यू नो अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स थिंग्स बाय व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव। तो इस ग्रैटिट्यूड प्रेयर को आप ट्राई करें और इसको मैं चाहूँगी आप अपने खुद के वर्ड्स में डालें। मैंने आपको एक ब्रॉडर आउटलाइन दी है कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी काफ़ी सारे मेथड्स के ऊपर दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और यू नो अप्रोच दैट वर्क्स इन लाइफ। सो आप इस ग्रैटिट्यूड प्रेयर को या इस ग्रैटिट्यूड अप्रोच को करके देखिए और फिर अपनी लाइफ में आप चेंजेस देखिए किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंज होता है। हर एक छोटी चीज़ के लिए हमें दिन में बैठ के सोचकर ग्रैटिट्यूड देना चाहिए जो होता है, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारे पास लाइफ में मिराकुलसली इतनी चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसको रियलाइज़ नहीं करते, हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते। तब आपको अपने आप सबकॉन्शियसली आपका जो माइंड है अलग तरीके से ट्रेन होगा जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा। जब आपका दिमाग पॉजिटिव होगा तो आप क्या करेंगे, आप ऑलरेडी पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी लाइफ में और सिचुएशंस को और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप इसको ट्राई करके देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें और मैं फिर मिलूंगी आपको दूसरे वीडियो में फिर किसी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।